है मामा ने, जो मामा अपने सगे साले को नहीं संभाल पा रहे हैं वो सूबा क्या संभालेंगे? वो सूबा जिसके बारे में दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का नीति आयोग ये कहता है कि सबसे बीमारू राज्य कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। वो सूबा जिसके बारे में दिल्ली के तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकार की जो अपनी एजेंसियां हैं, वो कहती हैं कि दुष्कर्म के मामले में, बलात्कार के मामले में नंबर एक पर है, मैं उस सूबे में खड़ा हूं। तीन बार से आपको बेवकूफ बनाया गया, तीन बार से आपके जज्बात से खेला गया और आप भोले भाले लोग, महाकौशल के भोले भाले लोग आते रहे झांसे में, लेकिन इस बार झांसे में आने का वक्त नहीं है। मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करने से पहले आज उन सात बच्चियों, मेरे ख्याल है सात बच्चों का देहांत हुआ है किसी बस एक्सीडेंट में सतना के आसपास में, उन बच्चियों को इस मंच के माध्यम से तमाम जबलपुर वालों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। और आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक शायर को क्या जरूरत पड़ गई कि वो यहां आके खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू करे। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के मायने बहुत हैं। मैं यहां इसलिए खड़ा हूं कि मैं लखन घनघोरिया से मोहब्बत तो करता ही हूं, लेकिन आपके सूबे में व्यापम उजागर ना हो इसके नाम पर जो मौतों का अर्ध शतक लगाया गया है, उनकी रूहें मुझे कहती रही कि इमरान मध्य प्रदेश जाओ, तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मध्य प्रदेश जाओ। एक शायर जो है वो वक्त का आईना होता है, समाज का आईना होता है, और मैंने अपने दिल को आईना बना रखा है। मैं उस आईने में समाज को देखता हूं, फिर अपना चेहरा देखता हूं और फिर निकल पड़ता हूं ऐसे सफर पर जहां मुझे लगता है कि मेरी जरूरत है। व्यापम के नाम पर आज आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान में चार दोस्त ट्रेन के सामने इसलिए कूद पड़ते हैं, आज की घटना है ये, ट्रेन के सामने इसलिए कूद पड़ते हैं क्योंकि वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि नौकरी तो है नहीं, क्या करें, जी कर क्या होगा, और वो चारों साथी ट्रेन के आगे कूद गए, तीन मर गया, चौथा बुरी तरह से घायल होकर के हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस सूबे में व्यापम के नाम पर नौकरियां खाई गई, नौकरियां बेची गई, और उसके बाद वो घोटाला उजागर ना हो, एक के बाद एक रहस्यमयी मौतों का सिलसिला चला, और हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास बैठ करके वो कहानियां जो पढ़ते रहे और कड़ी से कड़ी जोड़ते रहे। मैं आज यहां खड़ा हूं सिर्फ ये कहने के लिए कि एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो। जबलपुर वालों जो यहां मौजूद हैं, जो मुझे सामने से सुन रहे हैं, और इस माइक की आवाज जहां जहां तक जा रही है, मेरी माए बहने अपने घरों से मुझे सुन रही हैं, मैं उन सब के नाम ये मिसरे करता हूं। व्यापम अपनी नजर में रखिएगा और इमरान के मिसरे सुनिएगा। एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए ओट किया। अब अगर बात सच्ची लगे तो आपकी तालियों का शोर राजधानी तक जाना चाहिए। नींद उड़े उस शख्स की के अब तलक सबको जिताने के लिए ओट किया, अब के कातिल को हराने के लिए ओट करो, अब के कातिल को हराने के लिए एक वादे को निभाने के लिए ओट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए ओट करो, अब तलक सबको जिताने के लिए ओट किया।
अब के कातिल को हराने के लिए वोट करो। मैं एक बुजुर्ग के तैयार में खड़ा हूँ, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में वो जिंदा दिल लोग हैं जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। जबलपुर वालों, ये चुनाव महज एक विधायकी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके एक वोट डाल देने से मध्य प्रदेश की सत्ता के अलटने और पलटने का भी चुनाव नहीं। अगर इतना छोटा चुनाव होता तो मैं यहां न खड़ा होता। मेरे निशाने इतने छोटे नहीं होते हैं। मैं अपनी आंखों में दिल्ली बसा करके आया हूं, मेरा निशाना यहां से बहुत दूर है। बिखरने का, बंटने का, झांसे में आने का दर्द क्या होता है, हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो, क्योंकि हमारी आंखों में ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर के अस्पताल में मारे गए बच्चों की लाशें हैं। हम जानते हैं बिखरने का दर्द क्या होता है, हम जानते हैं बंटने का दर्द क्या होता है। आपको भी झांसा दिया जा रहा है, आपसे भी झूठे वायदे किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इसी माइक से, इसी मंच से खड़े होकर के प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े लंबे लंबे वादे किए, घोषणा वीर। आपको पता है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में उनके लिए क्या कहा जाता है, घोषणा वीर। मोदी जी में और शिवराज जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा फेंक सकता है, कौन ज्यादा घोषणाएं कर सकता है, कौन ज्यादा फर्जी बातें कर सकता है। विशेषज्ञ अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि कौन। ये कंपटीशन लगातार चल रहा है, 11 दिसंबर तय करेगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है। मामा है वो, प्रदेश के बच्चे बच्चियों से अपने आप को मामा कहलवाते हैं। आदरणीय शिवराज जी, मैं तो साहित्यकार हूं, मैं तो इतिहास को साहित्य की नजर से देखता हूं। मामा तो कंस भी था, मामा तो शकुनी भी था। काश आपने इन 15 सालों के अपने शासन काल में बच्चों के सच्चे मामा होने का हक अदा किया होता। ये बेटियों की चीखें, ये मासूम मासूम बच्चियों की लहू लुहान तस्वीरें पता नहीं आपको सोने कैसे देती हैं। मैं तो नहीं सो पाता हूं, शायद मेरा जमीर जिंदा है। आप अंदाजा लगाइए कि लखन घनघोरिया से कितना डरते हैं, कि पूरी एजेंसियां लगा रखी हैं, पूरा प्रदेश छोड़ रखा है, और आपको भी झांसे में लेने के लिए पिटारे खोल दिए गए हैं। पानी की टंकी भी जा रही है जिसमें पानी ही नहीं है, उसे टंकी मत समझिए, उसे नौटंकी समझिए, वो नौटंकी है दरअसल। आपके बीच में जाकर के ये बताया जा रहा है कि नहीं, हमने बारात घर दिया, हमने टंकी दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपकी नस्लों को नशे का ऐसा कारोबार दे दिया है कि आने वाली नस्लें उसका खामियाजा भुगतेंगी। आपको ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप बड़े भोले भाले लोग हैं। ये जो गरीब अवाम है, ये जो मजलूम अवाम है, ये जो कम पढ़ी लिखी अवाम है, उसे लगता है कि नहीं, चुनाव के टाइम में हमें किसी शख्स ने आकर के मोहब्बतों भरी चार बातें कर दी।